गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आइए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर टेन नाइट फॉल इन द सिटी ऑफ हैदराबाद ऑफ क्लास सेवन फ्रॉम द बुक इंग्लिश अलाइव सेवन लिटरेचर रीडर सो बेसिकली बच्चों पहले मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ इट इज़ रिटन बाय सरोजनी नायडू जी एंड दिस इज कपलेट पोएट्री फर्स्ट ऑफ ऑल आई आई विल एक्सप्लेन यू वट इज़ कपलेट पोएट्री कपलेट पोइट्री हैज़ अ सीरीज ऑफ सक्सेसि रॉमिंग लाइन्स पेयर्ड इन अ वर्स इट इज़ मार्क्ड बाई अ यूजल रिदम एंड रामम स्कीम बच्चों कपलेट पोइट्री में एक रिदम होता है उसकी राइम स्कीम होती है ठीक है उसमें रैमिंग लाइन्स जो होती हैं वो पेयर्ड होती हैं एक वर्ड्स में सो so, इसको शुरू करते हैं अभी रिटर्न बाय सरोजनी नाइटू इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिफरेंट कल्चर्स रिलीजन्स फोक ट्रेडिशंस एंड सेलिब्रेशंस बच्चों जैसा आप जानते हैं जो हमारा भारत है वो एक अलग अलग कल्चर्स की अलग अलग धर्मों की एक फोक ट्रेडिशंस जो परंपराएं हैं लोक परंपराएं हैं और सेलिब्रेशंस की धरती है डू यू रिकॉल एनी प्रोसेशन पासिंग बाय योर हाउस ड्यूरिंग द फेस्टिविटीज़ स्पेशली एट नाइट बच्चों आपने कभी देखा होगा आपके घर के आसपास जैसे प्रोसेशन कोई जाता है त्यौहार तो पे कोई सेलिब्रेशन करते हैं तो वो एक झांकियाँ निकालते हैं स्पेशली आपने दिवाली पर भी देखा होगा इतनी जगमगाहट रहती है गलियों में रात की फेस्टिवल्स में द फॉलोइंग पोयम इज़ अ fascinating पिक्चर गैलरी ऑफ़ द हैदराबाद सिटीज़ फेस्टिव नाइट life अराउंड द फेमस चार आप सभी बच्चों को पता है चार मीनार हैदराबाद में है और ये पोयम भी चार मीनार के ग्लोरी हैदराबाद के कल्चर और उसके फेस्टिवल्स के बारे में लिखी गई है तो आइए शुरू करते हैं सी हाउ द स्पैकल्ड स्काई बर्न्स लाइक अस थ्रॉट ज्वेल्ड विद एम्बर्स ऑफ ओपल एंड पेरीडॉट देखिए कैसे स्पैकल्ड हेयर मीन्स बच्चों डॉटेड स्पैकल स्काई मीन्स डॉटेड स्काई यानी कि तारों से भरा हुआ स्काई जो डॉटेड डॉटेड ट्विंकलिंग जो हो रही है स्काई में आसमान में जो ट्विंकल हो रहे हैं तारे उनके लिए यहाँ पर स्पेकल स्काई बोला गया है उनको अब कवित्री क्या कहती हैं यहाँ पर कि देखिए कैसे स्काई जो है वो डॉटेड स्काई जो है ऐसा बर्न ऐसा लग रहा है जैसे वो एक पिजिन का थ्रोट है यानी कबूतर की गर्दन से उसको कंपेयर किया गया है ज्वेल्ड विद एम्बर्स ऑफ ओपल एंड पेरीडॉट और वो इतना जड़ा गया है जैसे एम्बर्स ऑफ ओपल एंड पेरीडॉट ओपल होता है सेमी ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन और पेरीडोट भी एक जेमस्टोन है येलो गोल्ड जेमस्टोन ठीक है तो ऐसे जेमस्टोन से उसे ज्वेल किया गया है जड़ा गया है है ना एम्बर्स मीन्स बर्निंग रिमइंडर्स ऑफ कोल जैसे कोयले के जो चमकते हैं जो उसका रिमइंडर्स रह जाते हैं वो तो इस तरीके से उसने इन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है कि पिजन की जो थ्रॉट है वो एक बिल्कुल आसमान में जो डॉटेड स्काई है उसकी तरह प्रतीत हो रही है और जो पूरा वो जड़ा हुआ है किसी जैम स्टोन से ओके बच्चों मूव टू द नेक्स्ट लाइंस सी द वाइट रिवर दैट फ्लैशेस एंड सिंटिलेट्स कर्व लाइक अ टस्क फ्रॉम द माउथ ऑफ द सिटी गेट्स सी द वाइट रीवर बच्चों यहाँ पर रीवर जो है वो हैदराबाद में एक रीवर बहने वाली रिवर है मूसी रिवर उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है सी द वाइट रीवर ऐसी बिल्कुल जो अंधेरी रात है जो अभी नाइट सीन हम इसमें पढ़ रहे हैं ना पोएम में तो उस नाइट सेलिब्रेशन में फेस्टिवल में जो ये वाइट रिवर है एकदम वो मूसी रिवर जो है वो फ्लैश हो रही है च एंड सिंटिलेट सिंटिलेट हेयर मीन्स स्पार्कल चमकना वो चमक रही है एकदम वाइट रिवर कर्व लाइक अ टस्क फ माउथ ऑफ द सिटी गेट्स और ये कर्व हो रही है जैसे मुड़ रही है और किस तरह मुड़ रही है जैसे टस्क टस्क होता है बच्चों एलिफेंट की सूंड तो उस हाथी की सूंड की तरह ये एक टर्न हो रही है ट्विस्ट हो रही है फ्रॉम द माउथ ऑफ द सिटी गेट्स जो हैदराबाद सिटी गेट्स हैं ओपनिंग माउथ हेयर मीन्स ओपनिंग वहां से ये नदी निकल रही है क्लियर नाउ नेक्स्ट लाइन्स हार्क फ्रॉम द मिनारेट हाउ द मूजिस कॉल फ्लॉट्स लाइक अ बैटल फ्लैग ओवर द सिटी वॉल हार्क हेयर मीन्स लिसन सुनो फ्राम द मीनाट मीनाट है बच्चों अ टॉल टावर अटैच टू अ मॉस्क किसी मस्जिद से अटैच एक बहुत लंबी टॉवर होती है वहाँ से जो आवाज़ आती है उसे सुनो हाउ द म्यूज कॉल म्यूज हेयर मीन्स म्यूजिन अ मैन हु कॉल्स पीपल टू प्रे ऐसे आदमी जो अजान लगाता है लोगों को बुलाता है मुस्लिम लोगों को प्रे करने के लिए फ्लोर्स लाइक अ बैटल फ्लैग ओवर द सिटी वॉल वो आवाज़ जो वो दे रहा है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे एक बैटल फ्लैग होता है वो सिटी के ऊपर लहरा रहा है सिटी वॉल पे लहरा रहा है नेक्स्ट लाइन फ्रॉम ट्रेलिस्ट बालकनीज लैंग्विट एंड ल्यूमिनस फेसिस ग्लीम वेल्ट इन आ स्पलेंडर वॉलोमिनस अब बच्चों पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं फ्रॉम ट्रेलिस्ट ट्रेलिस्ड हेयर मीन्स सपोर्टेड विथ वुडन और मेटल बार्स जैसे ये ट्रेलिस्ट यहाँ पर बोला गया ट्रेलिस्ड बाल्कनीज जो बालकनी सपोर्ट की गई हैं वुडन मेटल बार से ठीक है लैंग्वेड लैंग्वेड हेयर मीन्स रिलैक्सड एंड ल्यूमिनस मीन्स लार्ज फेस इज ग्लीम चमकदार चेहरे चमकने वाले चेहरे veiled इन अ splendor, voluminous, voluminous मीन्स generous अमाउंट और वेल्ड हेयर होता है यहाँ पर पर्दा अभी अभी इसको दोबारा से देख लेते हैं फ्रॉम ट्रेलिस्ड बालकनीज जो सपोर्टेड बालकनीज़ है वहाँ से languid, relaxed और बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत सारे जो वहाँ पे जो औरतें बैठी हैं गैलरीज़ में बालकनीज़ में जो अपना चेहरा छुपा के बैठी हैं वेल वेल्ट में बैठे हैं यानी कि बुरका या पर्दा किया है उसमें बैठी है और उनके चेहरे जो हैं इस तरीके से जो जितना दिख रहे हैं वो इतना चमक रहे हैं वो इतनी खुशी से चमक रहे हैं कि वो इतने सुंदर चेहरे और वो एक सुंदर दृश्य को निहार रहे हैं किस दृश्य को जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं नाइटफॉल so move to the next move to the next lines. leisurely elephants विंड through the winding lanes. leisurely here means unhurriedly जहाँ पर कोई हरी ना हो जिनको बहुत आराम से लेजरली एलिफेंट जो बहुत आराम से हाथी जो हैं चल रहे हैं विंड विंड हेयर मीन्स बच्चों ट्विस्ट एंड टर्न जैसे हाथी चलता है ना एकदम सीधा तो नहीं चलता लहराता हुआ ट्विस्ट एंड टर्न करता हुआ चलता है थ्रू द विंडिंग लेन्स और जो लेन्स है वहाँ की जो गलियाँ हैं जो वो भी विंडिंग ट्विस्ट एंड टर्नस हैं तो यहाँ पर इस लाइन में क्या बताया गया अनहरेडली एलिफेंट्स जो बहुत आराम से मदमस्त हाथी चल रहे हैं वो एक ट्विस्ट एंड टर्न लेकर ट्विस्ट एंड टर्न गलियों से चल रहे हैं स्विंगिंग देयर सिल्वर बेल्स हंग फ्रॉम देयर सिल्वर चेन्स और जो हाथी हैं उनके जो सिल्वर चैनस उन पर लटकाई गई हैं उन्हें सुंदर सजाया गया है उन सिल्वर चेन से जो सिल्वर बेल्स लटकी हुई हैं वो स्विंग हो रही हैं झूम रही हैं झूल रही हैं है ना सो नेक्स्ट लाइन राउंड द हाई चार मीनार साउंड्स ऑफ गे कैवल जो चार मीनार जो बहुत ऊंचा चार मीनार है उसके चारों तरफ साउंड आवाज़ें जो रही हैं गे हेयर मीन्स हैप्पी खुशियों भरी आवाज़ें और कैबल केट्स मीन्स परेड्स घोड़ों की जो हॉर्सेज uh, चलते हैं ना परेड में लाइन में उस उनकी जो जो परेड है उनकी आवाज़ खुशियों की आवाज़ ब्लेंड विद द म्यूज़िक ऑफ सिम्बल्स एंड सैरनेट्स सिम्बल्स हेयर मीन्स लार्ज राउंड मेटल प्लेट्स यूज एज अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं ना बच्चों जिनको आपस में ऐसे बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट एज अ इंस्ट्रूमेंट्स वो और सेरेनेट हेयर मीन्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस इज़ टू ऑनर सम वन और बहुत बड़े जैसे म्यूजिक म्यूज़िकल परफॉर्मेंस उनकी और सिम्बल्स की आवाज़ें जो हैं वो ब्लेंड हो रही हैं मिक्स हो रही हैं उन म्यूज़िक की आवाज़ें किसके साथ जो परेड है हैप्पी जो परेड है उन सबकी साउंड मिक्स हो रही है देन लास्ट लाइंस ओवर द सिटी ब्रिज नाइट कम्स मेजेस्टिकल अब ये पूरे रात को डिस्क्राइब किया गया है कि पूरे शहर जो हैदराबाद है उसकी खूबसूरती को इस टाइम नाइट चारों तरफ जगमगाहट है अन, बिल्कुल नाइट स्काई एकदम ट्विंकलिंग स्टार्स हैं और ये जो रात है पूरी मेजेस्टिकल है यानी कि इम्प्रेसिव मेजेस्टिकल है मीन्स हैविंग इम्प्रेसिव ब्यूटी तो उस रात को पूरे को डिस्क्राइब किया है तो उस रात को किससे कंपेयर किया गया है बोर्न लाइक अ क्वीन टू अ ट फेस्टिवल और इस मैजेस्टिकल रात को जो ये रात को डिस्क्राइब किया है इस पोयम में उसको किससे कंपेयर किए हैं लाइक अ क्वीन रानी के साथ जैसे रानी कैरिड करती है बॉन्ड हेयर मीन्स कैरेट अपने साथ कैरी करती है ग्रैंड सम्टुस फेस्टिवल तो ये रात जो है एक रानी की तरह बहुत भव्य बहुत ग्रैंड फेस्टिवल को कैरी कर रहे हैं तो ये पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है बच्चों Nightfall in the City of Hyderabad, written by Sarojni Naitoji. Thank you. I hope you understand all the verses in this poem. Thank you very much.